हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास वोडाफोन का सिम है तो अगर हम किसी से बात करते हैं तो गाइस उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आती है कि सामने वाले पर्सन को वॉइस वो सही नहीं जाती है, या तो कट कट के जाती है या बिल्कुल जाती नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको तीन प्रॉब्लम बताऊँगा, तीन प्रॉब्लम में से आपको जो है एक ना एक प्रॉब्लम आपकी ज़रूर होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा गाइस सबको। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम है गाइस होती है हमारी माइक्रोफोन की। अब माइक्रोफोन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा माइक जो हमारे मोबाइल के अंदर फिट रहता है, जिसको कहते हैं हम हार्डवेयर के थ्रू हमारे जो मोबाइल में रहता है। एक होता है हमारा माइक्रोफोन जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू रहता है। इन दोनों में से अगर आपकी कोई भी एक सर्विस बंद हो जाती है, अब मान लीजिए आपका माइक ही ख़राब हो गया है, तो आपको कॉल जो होगी वो होने के बाद दूसरे पर्सन को आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। अब आपकी गाइस माइक्रोफोन की भी ऐसी बात है, अगर वो बंद होगा तो आपकी जो आवाज़ है वो दूसरे पर्सन को नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको माइक्रो हार्डवेयर की तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है और वहाँ पर आपको खुद ही ठीक करवाना होगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं आपको माइक्रोफोन के बारे में बता सकता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ से आपको बैक आना है, माइक्रोफोन अगर आपका बंद हो जाता है तो उसको चालू करने के लिए आपको पहले बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस जाना होगा अपने मेन्यू बार में। मेन्यू बार में जाने के बाद गाइस जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में हम चलते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आ जाने के बाद ऐप्स में जाना होगा। ऐप्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा डायलर का ऑप्शन, या तो डायलर का ऑप्शन मिले या फिर मिले आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन, सॉरी मो फोन का ऑप्शन खाली। तो यहाँ पर आपको डायलर या फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा। तो फिलहाल डायलर का तो ऑप्शन मेरे मोबाइल में नहीं है तो हम ढूंढ लेते हैं फ़ोन को। तो गाइस ये रहा हमारा फ़ोन का ऑप्शन, तो इसको खोल लेना है। यहाँ पर आपको मिलेगा परमिशंस, तो परमिशंस को खोल लेना है आपको। और यहाँ पर मिलेगा गाइस आपको माइक्रोफोन, तो यहाँ पर आपको इसको अलाउ करना है जिससे कि जो आपकी वॉइस है वो दूसरे पर्सन को जा सके। और तो यहाँ पर अगर ये डिसेबल रहेगी तो आपकी आवाज़ दूसरे पर्सन को नहीं जाएगी और शायद ही आपके मोबाइल में कॉल भी मिल पाए। और यहाँ पर अब मैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन की बात कर लूँ, तो यहाँ पर आपको अपने नेटवर्क पर भी ध्यान देना है। अगर वोडाफोन के आपके नेटवर्क सही नहीं आते तो गाइस आपकी ये दोनों परमिशंस या हार्डवेयर की जो माइक है वो ठीक हुआ तो भी आपकी जो आवाज़ है वो दूसरे को अटक अटक के जाएगी, बीच में कॉल कट भी सकती है। तो ये कहानी है दोस्तों तीन प्रॉब्लम की। अगर इन तीनों प्रॉब्लम में से आपकी तीनों ठीक है तो आपकी जो 100% बात जो होगी वो सही होगी। अगर इन तीनों प्रॉब्लम में से आपकी गलत होगी, तो एक भी गलत होगी, तो आपकी वॉइस दूसरे पर्सन को सही नहीं जाएगी। तो गाइस ये था, मैंने हर चीज़ आपको इस वीडियो में कैप्चर करके बता दिया है। जिसको ठीक हो सकता था मैंने उसको आपको ठीक करके भी बस दिखा दिया है। बाकी माइक की और आपके जो है आपके सिग्नल या नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो मैंने दूसरी वीडियो में बता रखी है नेटवर्क की, लेकिन जो आपका माइक है ना वो गाइस आपको बदलवाना पड़ेगा तो जब भी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वैसे ही वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो गाइस लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।